हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑसम चैनल। स्वागत है आपका। आप कैसे हैं सभी? ठीक, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवा। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से अब हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर ली थी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। तो इस वीडियो को सबसे एंड तक, लास्ट तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको 101% समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में निकल के आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं एक और बार रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं विथ आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एल्कोहल एंड फिनोल। तो एल्कोहल और फिनोल दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? एल्कोहल की बात करें, फिनोल, बोथ हैव OH इन देम। दोनों में OH होता है, उस OH की वजह से ही ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये OH की वजह से कैसे केमिकल रिएक्शन शो करते हैं? तो केमिकल रिएक्शन कैसे शो करते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी बॉन्ड बिटवीन OH ब्रोकन्स, जब ये OH का बॉन्ड टूटता है, तब एल्कोहल्स रिएक्ट्स लाइक न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है जब OH का बॉन्ड ब्रेक होता है। जब OH जो है ना अपना बॉन्ड ब्रेक होता है, तब ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों, क्या रीज़न इसके पीछे, लेट्स डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपना पहला जो है एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ पे हमने ले लिया आर, वो उसके ऊपर दो लोन्स पेयर हैं, लोन पेयर्स एच, यहाँ पे आ गया अपना रिएक्टिंग स्पीशी जो प्लस है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो है ये लोन पेयर इसको ये डोनेट कर देता है, ये लोन पेयर मतलब इसके ऊपर अटैक करता है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का फीचर क्या होता है, सामने वाले पर अटैक करना। तो ये इस पर अटैक करता है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है इस कार्बन के साथ, और होता क्या है, ये जो एच बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये एच बॉन्ड ब्रेक होता है, इट मींस ऐसे एच प्लस आयन ये निकल जाता है, ये बाहर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये क्या होगा इसमें, अभी तो पहले इंटरमीडिएट देख लेते हैं बीच का। अब इसने इसको डोनेट किया, इसके ऊपर प्लस आ गया, ये एच इज एज इट इज, और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये सी इधर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अपना जो R O C बच जाता है और ये एच प्लस आयन बाहर हो जाता है। अपन ने देखा ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ओ एच बॉन्ड ब्रेक होने में होगा क्या, अपने जो लोन पेयर है इसने इधर अटैक करा, मतलब अपने जो एल्कोहल है उसी ने अटैक करा ना पूरे, ये ओ सी के साथ है, तो एल्कोहल ने अटैक करा और ओ एच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एच पॉजिटिव बाहर निकल गया और सी इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। और जब भी C और O का बॉन्ड ब्रेक होता है, रॉक्स, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल देख लिया, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है जब C और O का बॉन्ड ब्रेक होता है। C और O का बॉन्ड ब्रेक होता है तो जब हमने देखा था कि OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो किसकी तरह एक्ट करता था, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल करता था। और जब CO का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ये एक्ट कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों, सबसे पहले तो हम RCH2 को ये वाली रिएक्शन कर, RCH2 को CHOH को अपन H पॉजिटिव से रिएक्ट कर देते हैं, मतलब सबसे पहले तो प्रोटोनेटेड करते हैं। हाँ, तो बनता क्या है, बनता है अपना RCH2OH2 पॉजिटिव। अब अपन इधर मान लीजिए इसको बीआर से रिएक्ट करा, ऐसे बीआर न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको रिएक्ट करा CH2। अपन को हमेशा पता है कि अपना इलेक्ट्रोफाइल ऐसा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की इधर से निकला, इसने क्या करा, अपना बॉन्ड ले लिया, लोन पर ले लिया, और इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है ऐसा, अटैकिंग नेचर। और अपने इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो अपने अलग हट जाता है ना, इलेक्ट्रोफाइल अलग हट जाता है, साइड हट जाता है, तो नेचर तो दोनों के अलग अलग, लेकिन ये इसमें एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नेचर इसलिए बन रहा है, क्योंकि ये काय का बॉन्ड है, ये सी का, ये ओ का, ये दोनों बॉन्ड टूटे, H2 तो इधर आएगा ना, मेन तो बॉन्ड सी से, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया,
तो ये वाला बॉन्ड टूटा तो इधर OH2 पॉजिटिव निकल गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अलग निकल गया, तो रिएक्शन क्या बनी? और ये अपने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा, तो रिएक्शन क्या बनी? रिएक्शन बनी Br CH2 R प्लस H2O, H2O अलग निकल गया, H2O अपने साइड से इंटरमीडिएट की तरह अलग निकल गया है। तो ये है कि किस तरीके से अपने उसने अल्कोहल की तरह एक्ट करा एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे अपने अब एक और बार अपन OH का बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे। तो करते हैं अपन रिएक्शन, हेडिंग तो एक साथ रेड से डालेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। OH, अगेन OH को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे अपन को इसकी एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड ईथर दोनों का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि होती कैसे है ये, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ फिर से। तो सबसे पहले होगा क्या इसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स में मतलब एल्कोहल और फिनॉल दोनों को अपन मेटल से रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं एक अच्छे से एल्कोहल को, उसको रिएक्ट करते हैं अपन, रिएक्शन विथ मेटल हेडिंग डाल देते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल कोई सा भी ले लो, Na ले लो, Mg ले लो, है ना? तो R O H प्लस ट्वाइस Na बैलेंस कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा अपना इधर इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्योंकि नाम ही टॉपिक क्या है अपना, OH, OH बॉन्ड का क्लीवेज होना। तो OH बॉन्ड टूट जाता है, OH बॉन्ड टूट जाता है तो क्या होता है, ये अलग हट जाता है, ये अलग हो जाता है अपना। तो अपना H पॉजिटिव तो बनना ही है, या दो है ना बैलेंस, तो H2 तो बनना ही है साथ में, ये तो अलग ही हट जाता है। साथ में बनता क्या है, 2R O, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा, ये ले लेगा, तो O और Na। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम, क्योंकि सोडियम है और इतना पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, तो सोडियम अल्कोक्साइड बन के बाहर आता है, ठीक है? एक और बार बता देता हूँ कि जब भी अपन अपनी एल्कोहल्स को रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, तो OH बॉन्ड का ब्रेक होता है, क्योंकि जो हेडिंग है OH बॉन्ड का ब्रेक होता है और OH बॉन्ड अलग हट जाता है, O में से H अलग हट जाता है जो H2 हो जाता है, और साथ ही साथ R O और Na इंडल्ज हो जाता है। तो बनता क्या है, आर ओ एन ए, और आर ओ एन ए का नाम क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड क्यों होगा, क्योंकि सोडियम तो Na बोलते ही और आर ओ को अल्कोक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम अल्कोक्साइड फाइनल नेम हो गया। अब एस इसको एक तरीके से फिनोल से भी रिएक्ट करते हैं। फिनोल में कैसा होता है, फिनोल में कैसी ब्रेकिंग होती है, फिनोल में देख लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ये OH बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, इसको भी अपन रिएक्ट करते हैं Na से ही। अपन को पता ही क्या होता है, ये फिनोल होता है, ये होता है फिनोल। जब अपने इसको फिनोल से रिएक्ट करा, इसको अपन ने सोडियम से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसमें जैसे इसमें हुआ था OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमेशा की तरह OH बॉन्ड को ब्रेक करा, तो बना क्या आगे का प्रोडक्ट, आगे का प्रोडक्ट बना, तो OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या जुड़ जाता है, O के साथ Na, इसमें भी H2 बाहर निकल जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम, और ये पूरा का पूरा हो गया हटके फेनोक्साइड। तो ये हो जाता है अपना सोडियम फेनोक्साइड, ये ऑक्साइड है ना O, और ये पूरा फिनोल है, तो हो गया सोडियम फेनोक्साइड प्लस H2, ठीक है? दोनों में OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दोनों में OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब जब फिनोल रिएक्ट होता है, व्हेन फिनोल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अब एक्वेस NaOH के साथ अपन इसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब अपन ने रिएक्ट करा फिनोल को OH प्लस NaOH, तो होता क्या है, ये बॉन्ड अपना ब्रेक हो जाता है, ये इसके साथ जाके मिल गया, इसने इसको लोन पर दे दी, ये इधर जाके OH के साथ मिल गया, तो बना क्या, सिंपल सी रिएक्शन है, बना क्या फाइनल प्रोडक्ट, क्या बना, ONa प्लस H2O, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ONa
प्लस एच टू ओ बना। ये ओएनए मतलब इसका नाम क्या है, सोडियम फेनोक्साइड। दो तरीके हैं सोडियम फेनोक्साइड बनाने के, लेकिन इधर अपन को ये पता चल रहा है कि जब भी अपन अपने एल्कोहल फिनोल्स को मेटल से रिएक्ट करते थे उनकी एसिडिटी का तो पता चलता है, साथ साथ में ओएच क्लीवेज भी होता है, ओएच टूटता है, ओएच बॉन्ड टूटता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओएच बॉन्ड टूटता। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो एल्कोहल और फिनोल्स होते हैं वो साथ ही साथ ब्रोंस्टेड एसिड भी खिलाते हैं। तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस होता क्या है, तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि आपको ये आगे काम आएगा, इसलिए एक बार ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस को देख लेते हैं। तो ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से ब्रोंस्टेड एसिड वो एसिड होते हैं जो एच प्लस आयन डोनेट करें, यानी प्रोटॉन को डोनेट करें। मतलब जब भी उनकी बॉन्डिंग बॉन्ड टूटेंगे तो वो एच को दूसरे को सामने वाले को दे दें, दूसरे को सामने वाले को दे दें। मतलब मान लीजिए एच सी एल प्लस एन एच थ्री को रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये अपना है एसिड, ये अपना है बेस। तो जब इसने एच प्लस आयन दे दिया तो क्या बना अपना एन एच फोर पॉजिटिव प्लस सी एल माइनस। तो ये जो होगा ये अपना होगा ब्रोंस्टेड एसिड, ये अपना होगा ब्रोंस्टेड एसिड एज ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से। लेकिन ये एक तरह से देखें तो ये कॉन्जुगेट बेस भी है, क्योंकि जो ब्रोंस्टेड एसिड जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, हमेशा हमेशा याद रखना। जो भी एच प्लस आयन डोनेट करेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो एच प्लस आयन ले लेगा वो ब्रोंस्टेड बेस होगा लेकिन कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये अपना होगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, है ना। आप देख रहे होंगे इंसर्ट बुक में दे रखा है कॉन्जुगेट बेस दे रखा है इधर नाम, और ये होगा अपना कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा ये एसिड होगा ना, क्योंकि इसने लोन पर ले लिया, इसने एच ले लिया है, और ये होगा ब्रोंस्टेड बेस। तो आप ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस इस एग्जांपल से समझ चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस तो यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब हम एक थ्योरी थोड़ी समझ लेते हैं, नीचे दे रखी है। एल्कोहल फिनोल जो होते हैं ब्रोंस्टेड बेस क्यों कहलाती है, क्योंकि जब भी अपन किसी बेस को, बेस के बाद लोन पे होते हैं, जब भी अपन इसको रिएक्ट करते हैं एल्कोहल के साथ तो बनता क्या है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा एच इसको चला जाएगा, है ना, और ये अपना क्या बचेगा, अकेला ओआर बचेगा, है ना, अकेला ओआर बचेगा। और इसने इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लिए क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसने इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसने एक और माइनस साइन जमा लिया और दो इलेक्ट्रॉन भी ले लिए इसके, है ना। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी एच प्लस माइनस आर। अब समझ में आया फ्रेंड्स कैसे बनाइए, ये एक और बता देता हूँ, क्योंकि अपने को OH बॉन्ड को तोड़ना था तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने इसका बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन जो उसके थे वो भी अपनी तरफ ले लिया और ये जाके इससे मिल गया क्योंकि बेस है, इसने इसको अपनी तरफ ले लिया, ये बेस हो गया। तो इसने H+ आयन डोनेट करा, इसने H+ आयन को डोनेट करा एज अ ब्रोंस्टेड एसिड थ्योरी के हिसाब से। अपन ने क्या समझा था कि जो एसिड डोनेट करता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, वो होता है ब्रोंस्टेड एसिड, वो होता है ब्रोंस्टेड एसिड। इसलिए इसको अपन ने ब्रोंस्टेड एसिड का नाम दिया क्योंकि ये अल्कोहल से ही बना है, अल्कोहल से आके ये बना है, इसलिए अपन ने इसको ब्रोंस्टेड एसिड का नाम दिया। और ये ब्रोंस्टेड बेस होगा, और वैसे नाम दिया तो कॉन्जुगेट बेस होगा या कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया क्या, कौन क्या होगा, कौन कैसे होगा, फ्रेंड्स समझ में आया ना, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे बोर्ड में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स या एल्कोहल्स। सबसे पहले एल्कोहल्स देख लेते हैं, उसके बाद एल्कोहल फिनोल में से कौन ज़्यादा एसिड है वो देखेंगे, या वाटर एल्कोहल फिनोल में से कौन ज़्यादा एसिड है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में सिर्फ एक चीज़ है जो बता देती है कि वो एसिडिक ज़्यादा होगा या कम बेसिक, वो है अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसमें क्योंकि आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते करते सामने, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन किसी को रिलीज करके दूसरे को दे दे तो सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन का इकट्ठा बन जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे कोई इलेक्ट्रॉन, खूब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। मान लीजिए ये एक आदमी है, इसने दूसरे आदमी को खूब दे दिए, कितना मान लीजिए खूब इसको चॉकलेट दे दी, खूब चॉकलेट दे दी, तो इसके पास चॉकलेट का भंडार हो गया, इसके पास चॉकलेट्स का भंडार हो गया। अब ये चॉकलेट्स का भंडार हो गया है तो ये अब कोई परफेक्ट लिमिट से ज़्यादा ये ले नहीं सकता, है ना, परफेक्ट लिमिट से ज़्यादा ये ले नहीं सकता, तो उसके पास ये लेने एक्सेप्टेंस बंद कर देगा। ये क्या करेगा, अब ये
डोनेट नहीं कर पाएगा, इसके बाद बहुत हो गई हैं, बहुत हो गई हैं, तो अब दूसरे को क्या देना, खुद ही रखेगा, है ना। वैसे ही होता है कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, इसने कोई के सामने मान लीजिए सी है, अब ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच देगा, तो इस पर बेसिक नेचर बढ़ा देगा, मतलब इसकी पोलैरिटी घटा देगा, इसकी पोलैरिटी को घटाएगा ये, इसकी पोलैरिटी बढ़ाएगा नहीं, पोलैरिटी बढ़ाना मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेना और उसके पास कुछ भी नहीं बचना, तो पोलैरिटी घटाएगा नहीं, पोलैरिटी बढ़ाएगा, पोलैरिटी बढ़ानी है उसको, तो पोलैरिटी घट रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज देगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये बेसिक नेचर हो जाएगा, इसका एसिडिक नेचर होगा नहीं। तो एक चीज़ आप इधर समझ सकते हैं कि जब भी अल्काली ग्रुप की संख्या कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। एसिडिक नेचर ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, अल्काली ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, किसकी, सामने वाले जिसको डोनेट करते हैं, जिसकी तरफ सारे, मान लीजिए प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी होता है, वो प्राइमरी क्या करता है, ज़्यादा नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा ना, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होते हैं अपने, सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं अपने प्राइमरी होंगे, उसके बाद तो जितने ज़्यादा अल्काली ग्रुप्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर कम होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर प्राइमरी का हो, उसके बाद होगा सेकेंडरी का, देन उसके बाद होगा टर्शरी का। तो जब भी आपको ऐसे अरेंज करने को दे दिया जाए कि अरेंज करिए उसको एसिडिक नेचर में या एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अपन को यही देखना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है। तो अगर वो प्राइमरी हुआ तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, मैंने रीज़न समझा दिया है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। लेकिन अब अगर एल्कोहल और वाटर को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, बता सकते हैं, सोचिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर अगर आता हो तो, मैं बता देता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से क्या होगा देख लेते हैं उसको। तो अब नेक्स्ट हेडिंग होगी कि एल्कोहल वर्सेस वाटर, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो उसके ऊपर भी सेम थ्योरी जो अपन ने अभी समझी, सेम थ्योरी जो अपन ने अभी समझी थी थोड़ी देर पहले, कि जो अपना अल्कोहल होता है, अगर उसको अल्कोक्साइड की ग्रुप में देखें, अल्कोक्साइड मतलब ये वाले ग्रुप में, जब वो H2O से रिएक्ट होगा तो होगा क्या, क्या होगा, ये H इसके साथ चले जाएगा क्योंकि इसने दे दिया इसको, H इसके साथ चले जाएगा और अपना जो OH- है वो अलग हो जाएगा और बनेगा ROH और ROH-, क्योंकि जो अपना पानी है वो आराम से, वाटर है वो आराम से प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, क्योंकि अपना H2O आराम से H+ आयन डोनेट कर रहा है इसकी तरफ, जबकि एल्कोहल, जब भी जाके एल्कोहल बन रहा है और OH-, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि वाटर बेटर प्रोटॉन डोनर, और जो ज़्यादा अच्छा वो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या होता है, वो होता है एसिड ब्रोंस्टेड एसिड, तो ज़्यादा एसिडिक होगा अपना। तो इससे कंक्लूजन ये देखने मिल रहा है कि एल्कोहल है वो लेस एसिडिक देन वाटर, ये यहाँ से कंक्लूड हो चुका है, कंक्लूजन ये निकला है कि जो अपना पानी होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है देन एल्कोहल, का रीज़न ये है कि वो आराम से H+ आयन डोनेट कर देता है। और एक बात ये समझ में आ रही है कि जो अपना अल्कोक्साइड आयन है वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा बेस है, तो अल्कोक्साइड आयन आराम से एक्सेप्ट कर रहा है H+ को, इसलिए वो अच्छा खासा प्रोटोन एक्सेप्टर है, यानी बेस है अपने हाइड्रोक्साइड आयन से। ठीक है, ये और दूसरा कंक्लूजन निकल रहा है। तो दो मेन कंक्लूजन यही है इससे कि अपना जो ये है अल्कोक्साइड आयन वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है देन OH- तो हाइड्रोक्साइड आयन से, और पानी जो है H2 जो है वो अपने एल्कोहल से ज़्यादा अच्छा एसिडिक है। अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं फिनोल, अब हम फाइनली बहुत अच्छे तरीके से फिनोल वर्सेस अल्कोहल करने जा रहे हैं, फिनोल वर्सेस अल्कोहल। तो एक बार स्ट्रक्चर बना दें, ROH, और ये क्या है OH, क्योंकि अपना जो ये है सिंगल बॉन्डेड है CsP3 है, तो
तो ये इसकी तरफ खींच लेगा ज़्यादा अच्छे से, क्या इसकी रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से, और इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ड्यू टू जो बेंजीन रिंग का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है जो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस का इफेक्ट शो करेगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, रिलीज नहीं करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींच लेगा का मतलब ये है कि जो OH है इधर वाला जो फिनोल का OH है उसकी वो पोलैरिटी को बढ़ा देगा नहीं, उसकी पोलैरिटी को घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा, पोलैरिटी को बढ़ाएगा। और इसमें क्या होता था, इसमें पोलैरिटी को घटा देता था, इसलिए वो बेसिक नेचर की तरह ट्रीट होता था, वो एसिडिक नेचर की तरह ट्रीट नहीं होता था। तो इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जो अपना फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से, क्यों, क्योंकि जो एल्कोहल है उसके अंदर जो R अटैच्ड है वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो उसकी पोलैरिटी घटा देता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है आसपास, इसलिए वो नॉट एज अ गुड एसिड की तरह एक्ट करता है। और फिनोल होता है उसमें जो कार्बन अटैच होता है, जो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है वो पहली बात sp2 हाइब्रिडाइज, इसलिए OH की पोलैरिटी को बढ़ा देगा और इसलिए वो बेटर एसिड है, ठीक है, बेटर एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम आयोनाइजेशन देख लेते हैं एल्कोहल और फिनोल का। तो आयोनाइजेशन मतलब उसका टूटना, तो जब भी हम आर OH तो बनेगा क्या इधर अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड प्लस H, और इसमें क्या बनेगा बेंजीन रिंग OH undergoes to give अब हम इसके क्या बनाएंगे, अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि अपना जो ये है अल्किल, ये एल्कोहल है जो ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये रेजोनेंस में नहीं जाती है, मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है किसी की भी, तो इसलिए अपना जो फिनोक्साइड होगा उसकी स्टेबिलिटी फिनोल से भी ज़्यादा होगी, है ना, उसकी स्टेबिलिटी फिनोल से भी ज़्यादा होगी। किस प्रकार से, क्योंकि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो स्टेबिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे हो जाएगा अपना चार लोन पेयर, छः लोन पेयर, हाँ तीन लोन पेयर है, इसने क्या करा इधर इसको डोनेट कर दिया, अगले उसमें क्या होगा इसको इस वाले बॉन्ड से इसने यहाँ से यहाँ दे दिया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ इसको इसने 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 इसको दे दिया, यहाँ हो गया, अभी अपना इधर ही है, अब इसने इसको इधर दे दिया है, इधर डबल बॉन्ड आ चुका है और दो लोन पेयर है एक, क्योंकि इसने तो डोनेट कर दिया तो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर बन चुका है। अब आगे क्या होगा, आगे होगा सबसे पहले तो ये जो है इधर आ जाएगा, इधर माइनस साइन आ जाएगा, इधर से जो डबल बॉन्डेड है इधर चले जाएगा और ये तो एज इट इज़ बना ही हुआ है, तीसरा हो गया, चौथे पे इधर आ जाते हैं, क्या होगा चौथे में, ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, ये अपना इधर से फिर इसका इधर जो है ऊपर ही चला जाएगा डबल बॉन्ड से OH में, इधर दो लोन पेयर थे और ये इधर से जाके इधर चला जाएगा, तो फाइनली क्या बना अपना, फाइनली वही बन गया, मतलब डीलोकलाइज हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से, वही बन गया फाइनली। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसके जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज होता है, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। इसलिए दूसरा कारण ये भी है कि जो अपना फिनोल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल, ये है अपना दूसरा रीज़न। पहला रीज़न ये था कि जो अल्कोहल का जो कार्बन, जो फिनोल का जो कार्बन होता है जिससे वो अटैच होता है, वो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज नेचर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होना मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेना, पोलैरिटी सामने वाले की बढ़ा देना, जिसके साथ साथ वो एसिडिक नेचर शो कर पाएगा। ओके, तो ये अल्कोहल फिनोल का देख लिया। अब देख लेते हैं कि जब सब्सटीट्यूटेड फिनोल हो, सब्सटीट्यूटेड फिनोल मतलब OH तो लगा ही, साथ साथ में अपन ने कुछ ग्रुप्स भी लगा दिए, तो उससे क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो जब हम इसको ख़त्म करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और चालू हो गया, फिनोल में जब सब्सटीट्यूटेड फिनोल मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जैसे ये है अपना खाली फिनोल, जब अपन ने इधर NO2 लगा दिया तो क्या असर पड़ेगा, है ना, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो और बढ़ाएगा फिनोल की एसिडिटी को और बढ़ाएगा, वो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे, मतलब जितने भी ज़्यादा NO2 नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत से होते हैं, NO2 है अपना, Cl है, जितने भी है, हैलाइड्स हैं,
उसके साथ साथ और आते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो जितने ज़्यादा फिनोल के साथ सब्सटीट्यूटेड के रूप में लगे होंगे, सब्सटीट्यूएंट के रूप में उतने ही ज़्यादा वो क्या बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर बढ़ाएंगे। तो उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर को बढ़ाना है उनको, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एस अल्काली ग्रुप को लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को हटाएगा, साथ ही साथ फिनोक्साइड आयन भी कभी नहीं बन पाएगा, फिनोक्साइड आयन बन नहीं पाएगा। जैसे हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो ओ नेट्रोफिनोल होता है, मतलब ऑर्थो पोजिशन पर नेट्रोफिनोल, और अगर मान लीजिए तीनों पोजीशन ऑर्थो पैरा एंड मेटा तीनों पोजीशन पे लगा हो अगर अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उसकी जो एसिडिटी होगी वो तो बहुत ही ज़्यादा होगी। एक मैं ये भी बता दूं आपको कि जो अपना ये पीकेबी होता है, पीकेबी एक वर्ड दे रखा होगा, पीकेबी होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम एसिडिटी होगी, और जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी, क्योंकि ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन में पैरा पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, क्योंकि उसमें मैं बताया था डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिपल्शन नहीं होता है, बाकी सब प्लेसेस में रिपल्शन थोड़ा बहुत होता है, तो इसलिए पी पोजीशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वहीं पर होता है, इसलिए वहाँ की पीकेबी वैल्यू सबसे कम होती है, जो होती है 7.1। तो जितनी कम पीकेबी वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए पी नेट्रोफिनोल पैरा नेट्रोफिनोल मेटा नेट्रोफिनोल और ऑर्थो नेट्रोफिनोल से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसलिए जब भी आपको पूछा जाए कि ऑर्थो पैरा नेट्रोफिनोल है ना, ऑर्थो नेट्रोफिनोल पैरा नेट्रोफिनोल और मेटा नेट्रोफिनोल में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है ना, तो वो होगा पैरा नेट्रोफिनोल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिससे आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस पूरी बड़ी वीडियो में, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब को बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग देख सकें, समझ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग विच गिव्स योर सपोर्ट। एंड फ्रेंड्स मैंने और भी सारे लेक्चर डाल रखे हैं, हेलो एल्केन्स अमाइंस ये अपना थर्ड चैप्टर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, इसकी हमें आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।